नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हम आम लोगों से विचार जान रहे हैं, उनका क्या कहना है बाबा राम रहीम जी के बारे में व डेरा सच्चा सौदा के बारे में। डायरेक्ट सीधी बात करते हैं लोगों से। सर नमस्कार। सर सर आपका नाम? अनिरुद्ध शर्मा। क्या करते हो सर, आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इस समय वो आर्मी से रिटायर हूँ। इस समय हमारा काम जनशक्ति सोसाइटी से जुड़ा हुआ। मैं फर्स्ट टाइम सिरसा गया, वहाँ का देखा कि जिस तरह मीडिया में अफवाहें उड़ रही थी उस तरह वहाँ है नहीं। जिस तरह राम रहीम बाबा के विपक्ष में बोला जा रहा था, मीडिया वालों ने बोल रहा था, हकीकत में वहाँ ऐसा नहीं था। हमने उसके विपरीत ये देखा कि यहाँ पर एक दूसरे में बहुत प्रेम है। यहाँ के जितने संत हैं सब एक दूसरे की पब्लिक सेवा में और देश की सेवा में लगे हुए हैं। चाहे वो पौधारोपण हो, वृक्षारोपण हो, ब्लड डोनेशन हो, सब में साथ दे रहे हैं। गवर्नमेंटों को ये लोग भागीदार हैं, साथ दे रहे हैं। ये हमसे सबसे बढ़िया अच्छा लगा हमारे कोई संस्था से। ठीक है, तो व्यवहार बहुत अच्छियाँ, उनका प्रवचन भी अच्छा है। उनको तो गलत साजिश के तहत फंसा दिया गया है। गवर्नमेंट से अपील है कि वो बाहर लाएं और जनता की बातों को गवर्नमेंट सुने, यही अपील है हमारी। डेरा सच्चा सौदा में तो हर तरह का सेफ्टी है, हर तरह का माहौल सही है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। आप जैसे ने आपने बताया कि आप इंडियन आर्मी से हैं, तो आप हमें ये बताना चाहिए कि बाबा जी ने देश के लिए क्या कुछ किया है? देश के लिए बहुत कुछ किया। स्वच्छ अभियान से जुड़े हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, हॉस्पिटलों को दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए सेवा? ने भलाई के कार्य किए हैं बाबा जी ने, डेरा सच्चा सौदा कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है इस वक्त उनकी ज़रूरत है समाज को? हाँ, उनकी सख्त ज़रूरत है समाज को। क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आम जनता की सेवा कर रहे हैं। कितने नशे वालों को मुक्ति दिलाए हैं, तो उनकी सख्त ज़रूरत है इस समय देश को। किस तरह से उन्होंने समाज को नशा मुक्त किया, बताना चाहेंगे सर? क्यों, अपने प्रवचन द्वारा लोगों को जागरूक करके, अपने प्रवचन द्वारा, साथ संगत द्वारा। मैं से अपील करूँगा कि देश की उनकी ज़रूरत है बाबा राम रहीम जी की, इनको रिहा किया जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।